हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे LCM और HCF, और दोस्तों उसमें भी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट तरीके का अपना नया सवाल देखते हैं क्या है। तो दोस्तों देखें कि आज का जो सवाल है उसमें देखें, सबसे पहले अगर दोस्तों 2 × 3, 3 × 5 × 8 व 11 × 13 × 5 × 2 का एलसीएम बताइए। तो दोस्तों देखने वाली बात है कि इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जो चीज़ें कॉमन हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें क्या चीज़ें दोनों तरफ हैं जो कॉमन हैं। तो वो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 इधर भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले तो एक 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 3 उधर नहीं है, और उसके बाद दोस्तों है 5 हमारा, जो 5 कॉमन है। और 5 के बाद दोस्तों इसमें और कोई सा कॉमन नहीं दिख रहा। तो फिर करेंगे क्या, फिर दोस्तों 3 को भी उतार लेंगे, 8 को भी उतार लेंगे, 11 को भी उतार लेंगे और 13 को भी उतार लेंगे। तो दोस्तों आप देखें, यानी पहले तो हम उन्हें लिखते हैं जो कॉमन है, और कॉमन के बाद जो बच गए हैं, जैसे देखिए पहले 2 हो गया जो कॉमन था दोनों तरफ, 5 हो गया जो कॉमन था दोनों तरफ, उसके बाद में दोस्तों बचा क्या, 3 बचा, 3 ले लिया यहाँ से, 8 बचा, 8 ले लिया हमने यहाँ से, 11 बचा, 11 ले लिया, 13 बचा तो 13 ले लिया। अब दोस्तों इसी को कहेंगे हम कि ये क्या है, LCM है, ठीक है। ये इसका क्या है, LCM। यानी LCM में क्या करते हैं दोस्तों, जो कॉमन है उनको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है बाकी बचे वो उन सबको भी ले लेते हैं दोस्तों। इसलिए मैं थोड़ा अगर देसी भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है, LCM का मतलब ले लो सभी को, सभी को यानी जो कॉमन है उनको भी और जो कॉमन नहीं है उनको भी, तो वो कहलाता है LCM। और दोस्तों होता क्या है, कॉमन होने पर जो बड़ी पावर वाला जो होता है उसको हमेशा लेना चाहिए। तो देखें सबसे पहले देखें वो LCM में होता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, इससे आपको और समझ में आएगा कि यानी अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो कि 3 की पावर 2 और 7 की पावर 5 और 8 की पावर 5 वे और क्या दोस्तों इसमें ले सकते हैं, 3 की पावर 5 × 7 की पावर 4 × 5 13 की पावर 5 का LCM बताइए। इस तरीके से हो तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे इसमें, इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन वाले हम जैसे पहले हम निकाल रहे थे कॉमन निकालेंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे कि कॉमन में यहाँ तो 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो हम दोस्तों लेंगे किसको, हम लेंगे 3 की पावर 5 को। ये हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब एक ही बेस वाले 2 पावर मौजूद हों, यानी एक 2 है एक जगह 5 है, तो लेंगे किसको दोस्तों, हमेशा बड़ी वाली को LCM में। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, LCM में हमेशा बड़ी पावर को लिया जाएगा। अब देखिए जैसे 7 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो लेंगे किसको, 7 की पावर 5 को। आगे दोस्तों आगे बचा क्या, अब हमारा जो बच गया है ये दोनों ही कॉमन थे, क्योंकि ये यहाँ पे भी है यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है यहाँ भी है। अब बचे कौन, बचे हैं 8 की पावर 5 और बचा है 13 की पावर 5। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा, इसी को हम आंसर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि पावर में कैसे करना है। आगे देखें दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और टिपिकल बनाते हैं इसको। तो दोस्तों अगर 5 की पावर
माइनस फाइव हो, और दोस्तों थ्री की पावर माइनस सिक्स, और इसके अलावा सेवन की पावर दोस्तों नाइन हो, एवं हमें लेना है फाइव की पावर माइनस टू, हमें लेना है इलेवन की पावर यहाँ थ्री, और सेवनटीन की पावर दोस्तों फाइव का एलसीएम बताइए, इनके एलसीएम बताने हैं। तो दोस्तों फिर से क्या करेंगे, वही अपने तरीका अपनाएंगे। अब देखें दोस्तों, फाइव की पावर यहाँ माइनस फाइव है, यहाँ फाइव की पावर माइनस टू है, तो बड़ी कौन सी है, फाइव की इसमें माइनस फाइव बड़ी है या माइनस टू बड़ा है? तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, इसमें माइनस टू बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ लेंगे फाइव की पावर माइनस टू। उसके बाद दोस्तों इसमें और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे अपना सीधा, उसके बाद जो बचा उसको उतार लेंगे, यहाँ पर थ्री की पावर माइनस सिक्स, फिर सेवन की पावर नाइन, उसके बाद दोस्तों इलेवन की पावर थर्टीन, और सेवनटीन की पावर फाइव, यही दोस्तों हमारा एलसीएम हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन वो करेंगे एचसीएफ के बाद, यानी पहले एलसीएम और एचसीएफ का बेस समझ लेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ तो जैसे ये होता था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे ही एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए दोस्तों इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में मै से पे भी कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। आगे दोस्तों इसमें है क्या कि मै से पे क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है, होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड करे, यानी जो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे, तो वो होती है हमारी एच सी एफ या मैसेप है। तो देखें दोस्तों पहला एक प्रश्न देख लेते हैं कैसे, कि मान लीजिए हम चाहते हैं 10, 12 का एच सी एफ, का एच सी एफ बताइए क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि 10 और 12 कौन से बड़े नंबर से दोनों एक साथ कट रहे होंगे, तो दोस्तों देख लेते हैं। तो देखें दोस्तों वन से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, उसके ऊपर अगर जाएं टू से, तो टू से टू फाइव जे टेन, और टू सिक्स जे ट्वेल्व कटता है। अब थ्री से देखें, थ्री से ट्वेल्व कट जाएगा लेकिन टेन नहीं कटेगा। अब देखें फोर से ट्वेल्व कट जाएगा, टेन नहीं कटेगा, माने फाइव से। तो दोस्तों अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो दस तक हम पहुँच जाएंगे, किसी भी नंबर से दोनों एक साथ नहीं कटेंगे। तो यानी इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो संख्या है जो सबसे बड़ी इन दोनों को काट सकती है, वो क्या है दोस्तों, टू है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टू इसका एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे बचपन में आपने बहुत सारी जो है तरीके से में पढ़े होंगे, लेकिन जो पेपर में हमें एग्जाम्स में करना है दोस्तों, वहाँ करने के लिए हमें समय नहीं होता इतना, तो वहाँ पर हम इन्हीं ट्रिक्स के द्वारा जो है इनको कर पाएंगे। आगे देखें दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए अब हम लेते हैं थ्री को, ट्वेल्व को और फिफ्टीन को, अब दोस्तों इनका एच सी एफ निकालना है, इनका एच सी एफ निकालना है। तो इनका एच सी एफ देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे फटाफट, वही तरीका अपनाएंगे कि जो ऐसा एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढनी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो दोस्तों आप देखें वही तरीका देखेंगे कि कौन कौन डिवाइड करता है, क्या दोस्तों वन से तो सभी होते हैं, टू करेगा, टू ट्वेल्व को करेगा, थ्री और फिफ्टीन को नहीं करेगा। अगर दोस्तों हम इसमें देखें तो थ्री को देखें तो थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जो ट्वेल्व, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, यानी थ्री जो है तीनों को डिवाइड कर रहा है,
और इसके अलावा आप देखें कोई भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 इसका HCF हो जाएगा, तो 3 HCF इसका लिख देंगे। आगे दोस्तों अगर और संख्याओं को देखें, जैसे दोस्तों हम देख लें, अगर यहाँ पे डाउट हो जाता है कई बार 5 और 7 का HCF बताइए। अब दोस्तों देखें 5 और 7 अगर कहें तो दोनों ही विषम संख्याएं हैं, और दोनों दोस्तों प्राइम नंबर्स भी हैं। प्राइम नंबर कैसे, जो खुद से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे। अब दोस्तों खुद से काटने की बात तो यहाँ है कि 5 और 7 है, 5 से 7 नहीं कटेगा, 7 से 5 नहीं कटेगा, माने हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को काट सके, एक ही नंबर, बड़े से बड़ा नंबर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, उसका HCF हमेशा क्या आएगा, वो आएगा 1, क्योंकि दोस्तों 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। अच्छा अब दोस्तों टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 इसमें क्या हो सकती है। तो टाइप 2 में दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि मान लीजिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 व 2 की पावर दोस्तों यहाँ 1 क्या लिखें या ना लिखें, और 7 की पावर 5 ये करें दोस्तों, पहले इसका HCF बताओ, इसका HCF बताना है क्या है। तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें, फटाफट से वही तरीका अपनाएंगे। देखें इनमें देखें कौन कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, उसमें बड़ी पावर ले लेते हैं लेकिन इसमें क्या लेंगे, छोटी पावर लेंगे, और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे भी। अच्छा दोस्तों उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम कॉमन को भी ले रहे थे और साथ में सबको ले रहे थे, लेकिन इसमें केवल कॉमन को लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में केवल कॉमन को ही लेंगे, तो 2 ही इसका HCF हो जाएगा, यही दोस्तों इसका आंसर होगा। ठीक है आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ज़्यादा आपको दोस्तों समझ में आएगा। देखें अगर 3 की पावर 5 हो और 7 की पावर 5 हो और 11 की पावर 9 हो, तथा क्या है दोस्तों इसमें 7 की पावर 2 या फिर 11 की पावर 1। 1 तो दोस्तों इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, बाकी 1 को लिखें ना लिखें कोई पावर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 इनका HCF बताना है, तो दोस्तों कैसे करेंगे, अब देखें दोस्तों इसमें, अब यहाँ क्या करेंगे, हम कॉमन पावर वाला देखेंगे, कॉमन कौन कौन से कॉमन है। तो दोस्तों 7 इधर भी है, यहाँ पे भी है, 11 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन दोस्तों मैंने बताया था आपको LCM में तो लेते थे हमेशा बड़ी पावर को, लेकिन यहाँ HCF में किसको लेंगे, छोटी पावर को, तो क्या लेंगे, 7 की पावर 2 लेंगे दोस्तों, और 11 की पावर इसमें 1 जो है ये, यानी 11 ही इसको लेंगे हम, तो यही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि LCM में हमें क्या करना है, LCM में कॉमन भी लेते हैं और कॉमन के साथ साथ जो मल्टीपल जो बच जाते हैं उनको भी लेते हैं, और दोस्तों जो HCF होता है HCF में छोटी पावर को लेते हैं जबकि LCM में हम बड़ी पावर को लेते थे। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक्स HCF के, और कुछ प्रश्नों को देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।